गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज फरहान, वेलकम टू राइट हार्ड एक्सप्लोर। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम निकल रहे हैं रूम से चेकआउट करके तुंगनाथ की ट्रैकिंग के लिए। देखिए ये हमारा होटल था, फ्यूली होम स्टे मस्तूरा में, चौपटा व्यू आपको शायद दिख रहा होगा। यह है होटल मस्तूरा से चौपटा का रास्ता। देखिए कितनी ओवर बर्फ है यहाँ पे, गाड़ी स्किड कर रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है गाड़ी, चलाई नहीं जा रही। 15 किलोमीटर पहले अमान उतर जाऊँगा। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ओवर बर्फ़ है और देखिए बीच में बहुत खतरनाक बर्फ़ है, गाड़ी भी ऊपर नहीं चढ़ रही। तो अब हम जो हैं, यहाँ तो रोड ऑफ है, यहाँ तो बर्फ़ बहुत ओवर है, तो उसकी वजह से हमें अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ रहा है। हम सोच रहे थे चंद्रशिला और तुंगनाथ की ट्रैकिंग करें, बट पॉसिबल नहीं है वहाँ तक पहुँचना, रोड पर बर्फ़ है बहुत, और अब हम यहाँ से वापस जाना है इसी वजह से। तो रुद्रप्रयाग में अब डिसाइड करेंगे ट्रिप को आगे बढ़ाएँ या नहीं। Were we chosen to be the new beginning? Though the sun surrendered its last light, this age as we know is ending, but we're ready, we've waited for this time. Here we stand. Genesis.
right now I am in Karnaprayag. देख सकते हैं कर्नाप्रयाग का ब्रिज है. जोशीमठ 81 बद्रीनाथ, जोशीमठ 81 दिखा रहा है यहाँ. सीन यह है कि हम हैं कर्नाप्रयाग में, जो कि हम अभी थे, अभी हम चौपटा में थे तो चंद्रशिला तो ना तो बंद हुआ, तो हम वापस आए. फिर वापस नीचे को उतरने के बाद हम रुद्रप्रयाग आए. रुद्रप्रयाग से हमने इधर को कट लिया और कर्नाप्रयाग पहुँचे. कर्नाप्रयाग पहुँचने के बाद हमने यहाँ रूम लिया और रूम पे डिस्कस हुआ हम दोनों आपस में कि सुबह को हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर. हमने सोचा था कि हम चमोली जाएं या फिर औली जाएं. चमोली जाकर लेकिन रोड की जो कंडीशन मैंने देखी है और लोगों ने जितनी यहाँ भी बताई तो बहुत ज़्यादा ख़राब है. रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है और अभी हमने कर भी है. तो हाँ मैम, ये ट्रिप यहीं क्लोज कर रहे हैं, मतलब आगे ना जाकर हम यहाँ से नीचे नैनीताल जाएंगे रानी खेत होते हुए और अपना फिर होम. तो वैसे तो अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, डिनर करने हम जा रहे हैं. बराबर में ही हमारे रूम के बराबर में ही है होटल, इसका नाम है रावत होटल. और